हेलो दोस्तों, आज का करंट इशू है चीन ने किया पीठ पर वार। रात 4 बजे चीनी सेना ने भारतीय सेना पर किया हमला। ये हमला क्यों हुआ, ये कहाँ हुआ और कैसे हुआ, इसके पीछे का क्या इतिहास है, मैं आपको बताऊँ। मेरे प्यारे साथियों, मैं ये मैप को ध्यान से देखो, ये बेहतरीन तरीके से इससे आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। जो ये मैप है इसकी, ये जम्मू कश्मीर का मैप है, तो इसके पूर्वोत्तर की तरफ चले देखो, पूर्वोत्तर की तरफ ये अक्साई चीन वाला लाल लाल एरिया दिखाई दे रहा है, ये अक्साई चीन का क्षेत्र है, जो चीन का एक प्रशासित क्षेत्र है। इस अक्साई चीन के साथ वर्ष 1962 से कुछ मसले हैं कि चाइना कहाँ तक है और इंडिया कहाँ तक है, तो इस ये मसले हैं। तो आपको मैं अब एक दूसरे मैप में बताता हूँ ये मसले क्या है। देखो आप, देखो ये दो लाइन है ना, देखो ये दो लाइन है, ये हमारा प्रमुख है लद्दाख का एरिया, देखो ये लद्दाख का एरिया है। तो 1962 के युद्ध में चीनी सेना का कहना है कि हम यहाँ तक भारतीय सीमा में आए थे, और ये एक दूसरी है, देखो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, लाइन है LAC, जहाँ तक, और भारतीय सेना कहना है कि तुम यहाँ तक ही आए थे 1962 के युद्ध में, और चीनी सेना कहती है कि हम यहाँ तक ही आए थे। यह है पूरा मैटर। इसी युद्ध में, इसी के बीच में एक घाटी है गलवान घाटी, जहाँ पर जो भारत के सेना के जवान शहीद हुए। क्या है मामला, मैं आपको बताता हूँ। नाम से ही स्पष्ट है, गलवान घाटी, गलवान घाटी। तो आपको बताता हूँ मैं, तो इन दोनों के बीच में एक गहरी खाई है, गलवान नदी, जो कि शोक की सहायक नदी है। यह गलवान नदी शोक नदी में जाकर मिल जाती है, शोक नदी आगे जाकर सिंधु नदी में मिलती है। अब आप ध्यान से सुनो ये मसला क्या है, मैं आपको बताता हूँ, मैं एक अगले मैप में चलते हैं, देखो इसमें आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ये देखो, ये रेड रेड सी लाइन है ना, ये देखो ये रेड रेड सी लाइन है ना, ये देखो ये क्या है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये LAC है। क्या है LAC, और चीन मानता है कि ये देखो ये लाइन, ये यहाँ तक चीन अपना क्षेत्र मानता है। और जो दौलत बेग ओल्डी रोड है ना, देखो ये बना हुआ, ये यहाँ पर जो दौलत बेग ओल्डी रोड बना हुआ है, तो ये क्षेत्र गलवान फ्लैश पॉइंट, देखो ये क्षेत्र है ना, ये काला काला सा, ये गलवान ये गलवान भारतीय दल का फ्लैश पॉइंट है, जो ये पॉइंट जहाँ से भारतीय दल निगरानी रख रहा था। किस बात की रख रहा था, आप पता हो कि चाइना के सैनिक के पीछे अटे या नहीं। अब आप सवाल पूछेंगे कि चाइना के सैनिक पीछे क्यों अटेंगे, ये भी को ये इतिहास कुछ दिनों पुराना है। पहले लाइन कुछ साइड दौलत बेग ओल्डी रोड की है, यह पहले पूरा मसला दौलत बेग ओल्डी रोड का है, जो 255 किलोमीटर का है। असल में सारी लड़ाई यही है, तो यही कारण था कि चीनी सेना हमारे सेना के बहुत 20 सैनिकों पर जवाबी हमला किया। ये यहाँ पर ये बहुत दिनों से चीनी सेना ने स्टैंड ऑफ करके खड़े थे, इसका मतलब है स्टैंड ऑफ का मतलब है हमारे आमने सामने आकर खड़े थे। आप बोलेंगे फिर क्या हुआ, आपको पता होगा कि 6 जून को एक मेजर जनरल रैंक की अधिकारियों की बैठक हुई थी भारत और चीन के बीच। इसमें यह निर्धारित हुआ कि सब लोग LAC से 2-2 किलोमीटर दूर चले जाइए। यह घटना 6 जून को की थी। आप पूछेंगे कि सब लोगों का मतलब क्या है, चाइना और भारत की सेना 2-2 किलोमीटर पीछे हटे। लेकिन मुद्दा यह है कि चाइना के सैनिक इस बैठक के बाद भी पीछे नहीं हटे।
गलवान वैली से पीछे नहीं सरके, इसकी निगरानी कर रहा था भारतीय दल। उस दल में कर्नल थे संतोष बाबू। भारतीय दल उस जो कर्नल थे संतोष बाबू, ये पोस्ट दिखाई दे रही है, ये देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर भारतीय दल की निगरानी कर रहे थे। तो चाइना के सैनिक पीछे हटे या नहीं, यहाँ से बैठकर निगरानी कर रहे थे भारत के संतोष बाबू कर्नल, उसकी रेजिमेंट के साथ, बीआर रेजिमेंट के साथ, सैनिकों के साथ। चीनी सेना के सैनिक लगातार यह देख रहे थे कि चीनी ये यहाँ क्या कर रहे हैं। भारत के लोग वहाँ पर देख रहे थे कि चीनी सेना अटी या नहीं। चीनी सैनिकों ने रात्रि को समय का उपयोग करते हुए लगभग 15-16 जून की तारीख की बात है, गलवान वैली की चोटी पर थी। रात को चीनी सेना गलवान वैली की चोटी पर थी और भारतीय सेना नीचे थी। देखो मानो ये गलवान वैली है, ये देखो ये तो यहाँ पर थी भारतीय सेना यहाँ पर, और यहाँ पर थी चीन की सेना। तो रात के समय में चीन ने यहाँ पर आक्रमण किया। तो आप हम पर निगरानी क्यों रख रहे हैं, इसलिए चीन ने सेना पर आक्रमण किया। तो चीनी सेना ने पत्थर घुसे और लोहे की रॉड से मारपीट शुरू कर दी भारतीय सेना के साथ, और इस स्थिति में भारतीय सैनिक चेक पोस्ट को नहीं संभाल पाए और गलवान रिवर में गिर गई। ये है ना, ये यहाँ पर ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये दौलत बेग रोड, ये 10 किलोमीटर का एरिया है, मात्र 10 किलोमीटर का एरिया। इसमें गलवान रिवर भी है, दौलत बेग ओल्ड रोड भी है। तो यहाँ पर गलवान रिवर है, देखो यहाँ पर चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, ये देखो बर्फ़ ही बर्फ़ है। यहाँ पर भी बर्फ़ है, गलवान रिवर है ना, ये देखो यहाँ पर नदी जा रही है जिसमें बर्फ़ जमी हुई है। इस बर्फ़ में भारतीय सैनिक गिर गए, लेकिन आपको ये बताता हूँ कि घटना यहीं से नहीं रुकी। भारतीय सेना ने अपने पीछे खड़ी ITBP की पोस्ट से कहा कि हमारे ऊपर ऐसे हमला हुआ है, और यह पोस्ट यहाँ पर पहुँचती है और लड़ाई एक बार फिर शुरू हो जाती है। देखो यहाँ से ये है, यहाँ पर जो पहले संतोष बाबू की पोस्ट यहाँ पर वो कर रही थी सुरक्षा, देख रही थी चीन सैनिक पीछे गए कि नहीं, तो मतलब उससे स्थिति नहीं संभाल पाई और वो नदी में गिर गई यहाँ पर इसमें। तो यहाँ पे पीछे देखो ये यहाँ पर ITBP की पोस्ट है, तो उसको सूचित किया कि हमारे ऊपर मामला हुआ, तो वो आगे आई। फिर आगे का मसला क्या है हम बता रहे हैं आपको, थोड़ा ध्यान से सुनो। फिर क्या था, भारत की ITBP की पोस्ट आई और चाइना और भारत के बीच झड़प, लातू से सरी डंडों से लड़ाई हुई, तो उसमें लगभग भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए। और चीनी सेना का मानना है, चीनी सेना लगभग 43 सैनिक शहीद हुए हैं, लेकिन चीन साला किसी बात को बताता नहीं है, ये साला बहुत आरामी देश है। हमारा देश एक लोकतंत्र देश है, जैसे ही हम सुबह पता चला कि भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं, तो ये घटना सुबह सभी लगभग देश के सभी नागरिकों को पता चल गया। लेकिन हम चीन का एक प्रख्यात ग्लोबल टाइम एक अखबार है, उसका एडिटर का नाम है हू जिनिन, जिसने ट्वीट करके बताया है कि चीन की सेना को भी भारी हानि हुई है, लेकिन जिसमें लगभग 43 चीन के सेना के जवान मर चुके हैं, सल्ट गए हैं चीनी सेना के जवान। तो ये देखो यहाँ पर ये चेक पोस्ट है ना, ये चेक पोस्ट पर भारतीय सेना के संतोष बाबू वो कर रहे थे सुरक्षा, मतलब चीन सेना पीछे हटी या नहीं, लेकिन वो यहाँ पे देख रहे थे लगभग। फिर एक के बाद एक बटालियन आती गई, मैं देखता हूँ, मैं आपको एक बांस करके रिपोर्ट बताता हूँ, जिसमें एक खुद ITBP के जवान ने क्या कहा कि वो क्या था पूरा मामला, देखो अभी बताता हूँ मैं आपको। देखो
उस सैन्य अधिकारी ने क्या कहा कि चोटी पर संघर्ष कर रही भारतीय फौजी नदी में गिर गई, ठंड से भी जान गई। मैं कलर चेंज करता हूँ, एक बार रुको, लाल कलर चेंज करते हैं। देखो, एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी अफसर ने भास्कर सावदाता मुकेश कौशिक को आंखें देखा हाल बताया। उन्होंने कहा कि करीब 15,000 फीट ऊंचाई पर स्थित गलवान घाटी की चोटी पर सोमवार रात 4 बजे से आधी रात तक करीब 8 घंटे हिंसा हुई। लोहे की राड से लैस चीन के सैनिकों ने साजिश रचकर भारतीय जवानों पर हमला बोल दिया। भारतीय सैनिक ऐसे किसी हमले के लिए तैयार नहीं थे। भारत और चीन के कोर कमांडर में 6 जून को सहमति बनी थी कि सेनाएं मौजूदा स्थिति से 2-2, 3-3 किलोमीटर पीछे हटेगी। इसके तहत चीन के सैनिकों को LAC की पोस्ट 1 पर जाना था। यह प्रक्रिया 7 दिन से जारी थी प्रोसेस पुष्टि के लिए दोनों सेनाओं ने अपनी अपनी टीमों को लगा रखी थी। सोमवार सुबह दोपहर से भारतीय सेना के कमांडिंग ऑफिसरों के साथ 10 सैनिक पेट्रोल पॉइंट 14 के पास चीनी सैनिकों के लौटने की निगरानी कर रहे थे। उसमें भारत के संतोष बाबू जो कर्नल शहीद हो गए हैं उसी में शामिल थे। जब चीनी सैनिक आए और अपनी जगह से नहीं हटे तो झड़प शुरू हो गई। चीनी सैनिकों ने अचानक भारतीय कमांडिंग ऑफिसर पर हमला बोल दिया और उन्हें गिराकर लोहे की राड से हमला किया। भारतीय सैनिकों ने भी जवाबी कार्रवाई की। कुछ मिनटों बाद चीन की दूसरी गश्त वहाँ पहुँच गई, फिर भारतीय सेना की भी दूसरी गश्त वहाँ पर पहुँच गई। इसके बाद एक एक करके टुकड़ियाँ आती गई। चीन की सेना से करीब 800 सैनिक जमा हो गए। भारत के सैनिक कम थे। शाम 6 बजे तक दोनों ओर के सैनिक के बीच घमासान होने लगा। सैनिक पत्थर, लाठी और लोहे के राड से एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। इसके कारण एक छोटी सी चोटी पर भगदड़ की नौबत आ गई। रात के अंधेरे में कई सैनिक चोटी से गलवान घाटी में गिर गए। रिज टूटने की वजह से चीन के भी 40 से 50 जवान खाई में गिर गए हैं। भारतीय सेना के कुछ जवान लापता है। अब यह पता नहीं है कि वे नदी में गिर गए या चीन के कब्जे में। ये भी खबर है कि चीन का एक कमांडिंग ऑफिसर भी इस दौरान मारा गया है या नदी में गिर गया है। सैनिकों के बीच समूह में झड़पें रात तक चलती रही। दोनों सेनाओं के जवान एक दूसरे का पीछा कर हमला करते रहे। रात 12 बजे के बाद मामला शांत हुआ। दूसरी ओर दोनों सेनाओं ने अपने जवानों की तलाश जारी की। दिल्ली और बीजिंग के बीच हॉटलाइन पर वार्ता होती रही। मंगलवार सुबह फिर दोनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारियों ने शांति बनाए रखने के लिए बैठक शुरू की। देर शाम 5 बजे LAC पर चीन सेना के हेलीकॉप्टर अपने जवानों के शव ले जाने के लिए पहुंचे थे। ये था पूरा मामला जो एक सैन्य अफसर ने मास्क करके सावधाता मुकेश कौशिक को बताया था।